हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, आज मेरा साथ शेखर गुप्ता, 42 साल पत्रकारिता कर रहे हैं। आज वो प्रिंट डॉट इन की एडिटर इन चीफ चेयरमैन है और साथ साथ वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का भी प्रेसिडेंट है। मगर ये मैं साफ कर रहा हूँ और शेखर भी हमें खास साफ कह रहे हैं, ही इज स्पीकिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। उनका जो भी राय है, जो भी मत है, व्यक्तिगत राय है, ये एडिटर्स गिल्ड का राय नहीं है। तो शेखर, धन्यवाद, आपने आप कीमती समय हमें दिया। कुछ दिनों से एक के बाद बहुत जाने माने अखबार, मीडिया संस्था, वेबसाइट, टीवी चैनल लोगों को निकाल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आपका वेतन कम कर दीजिए, पे कट्स। मैं कुछ एक लंबा लिस्ट मेरा पास है, पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, दैनिक भास्कर, न्यूज नेशन, क्विंट, और कुछ दिनों से हम पहले भी देखे हैं एनडीटीवी, जिसके साथ आपका संपर्क है। आपने बहुत साल वॉक द टॉक एक कार्यक्रम किया, और आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप, एबीपी ग्रुप, ऐसे बहुत सारे मीडिया संस्था है जो कह रहे हैं हमारे पास आज विज्ञापन नहीं आ रहे, विज्ञापन का दाता हमें पैसा नहीं दे रहे, और इसीलिए जो आप काम कर रहे हैं आप वेतन कम लीजिए, और बहुत सारे लोगों का नहीं और आपका नौकरी। तो इस हालत में आज हम क्यों इतना जल्दी ये कोविड का जो महामारी और इसके साथ जो आर्थिक संकट आया, ये एकदम अचानक सब कुछ हो गया। कुछ दिन हम सोचे थे कि हाँ, अखबार न्यूज़पेपर वालों घर पे न्यूज़पेपर नहीं दे पा रहे थे, अखबार, फिर वो भी कहानी खत्म हो गया। मगर वो देखिए, अखबार पतला हो गया। एक उदाहरण दे देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया 40 पृष्ठ का था, 40 पन्ने का था, आज हो गया 16। तो आज मीडिया के अंदर इतने बड़ा संकट क्यों आ गया? देखिए, पहली बात तो मैं तो पत्रकार हूं और सारी उम्र पत्रकार रहा हूं, तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा और ना कभी इस बात को एडवोकेट करूंगा, ना रिकमेंड करूंगा कि जर्नलिस्ट को ले ऑफ किया जाए। मेरिट पे किसी को जाने के लिए बोलना अलग बात है कि मेरिट पे भाई आपके से काम नहीं चल रहा है या आपकी जरूरत नहीं है, आप काम नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन लार्ज स्केल पर ले ऑफ करना या सैलरीज जो कमिटेड है, कॉन्ट्रैक्टेड है, वो काटना, मैं कभी व्यक्तिगत रूप से उसके समर्थन में नहीं हूँ। और सच बात यह है कि मैंने कभी ये करा भी नहीं, क्योंकि मैं करीब 14 साल मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर होने के अलावा एक तरह से सीईओ की तरह भी काम किया और बड़ी समस्याएं थी वहां भी, लेकिन ये काम कभी नहीं किया। क्योंकि एक पाप होता है, ये तभी करना चाहिए जब आपके पास कोई और तरीका ना बचे, क्योंकि हर एम्प्लॉय का इसमें, हर एम्प्लॉय एक स्टेक होल्डर होता है, लेकिन इतना भी मीडिया में सैलरीज नहीं है कि आप उसको बिल्कुल प्रॉफिट लिंक्ड कर दें, खास करके जर्नलिस्ट का। पर वो एक अलग बात है, वो एक मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन जो सच्चाई ये है वो ये है कि मीडिया बिजनेस जो है हमारा, उसमें बहुत दिन से ये एक बबल बिल्ड हो रहा था, ये बहुत गैस भरी जा रही थी इसके अंदर। बहुत मीडिया कंपनीज बहुत पैसे खर्च कर रही थी, बहुत लोगों को रख रही थी, सैलरीज भी बहुत बढ़ रही थी, और ये लग रहा था एज इफ देयर इज नो टुमारो। तो ये हर बिजनेस में बूम और बस्ट साइकिल होता है। अब आप देखिए कि 2008 तक ग्लोबल ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई कि वो इतनी उसमें एक्सेस भर गई। जब एक्सेस भर गई तो वो बबल फिर पंक्चर हुआ 2008 में, फाइनेंशियल क्राइसिस आया ग्लोबल, उसके बाद फिर से वो ठीक हुआ, फिर से रिवाइवल हुआ, फिर जो भर गया वो, अब हम कहें चाहे कि कोविड ने पंक्चर किया है, पर सच्चाई ये है जो कोविड छुपा रहा है अभी, कि 3 साल से भारत की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही थी, कम से कम इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन कर रही थी, और जो ग्रोथ रेट भी थे वो सच्चाई में नजर नहीं आ रहे थे। और ये भी सच्चाई है कि जब कंपनियां खर्चा कम करती है, कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, पीएसयू हो, कोई भी कंपनी खर्चा कम करती है तो सबसे पहले वो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर खर्चा कम करती है। तो वो खर्चा कम हो रहा था, रेवेन्यूज जा रही थी, अब इतना बड़ा बहाना मिल गया, तो बजाय इसके कि 2-2.5 साल तक आप उसको संभालते, आप उसको अपना पेयर डाउन करते अकॉर्डिंगली बिजनेस को, आपने अब अचानक झटके से मौका मिला तो वो कर दिया, जो मैं कहूंगा कि एक एब्रप्ट है। अच्छा, शेखर, आपने वो शब्द का इस्तेमाल किया, बहाना। मैं एक उदाहरण आपको देना, ये है बीसीसीएल, बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड। मेरा मित्र एजाज अशरफ, प्रज्ञा सिंह, उन्होंने विश्लेषण किया 2009
और 2008-2009, 2007-08 का जो उनका जो 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 रेवेन्यूज, जो मुनाफा, ये सारे आप देख रहे हैं कि ये बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड का जो रेवेन्यूज यानी कि पूरा उनका जो आय है, इसका ज्यादा से ज्यादा 90% से ज्यादा 95% विज्ञापनदाता से आ रहा है, स्पॉन्सर से आ रहा है। ये लगभग 6,260 करोड़ था, उस पिछले साल था 6,415। इसका मुनाफा 484, और इससे पहले साल में 481 थे। मगर इसका कैश रिजर्व्स अभी भी 1,260 है, इससे पिछले साल 9,017 था। और एम्प्लॉइज के ऊपर जो खर्चा है 2,563, और इससे पहले 2,391 करोड़ है। मतलब आपका जो भी टोटल रेवेन्यू है उसका आधा से भी कम है एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा, और आप जो मुनाफा बना रहे हैं उसका लगभग 4 गुना आप दे रहे हैं एम्प्लॉइज। तो आप कह रहे हैं ये बहाना है, ये कोविड का एक बहाना हो गया, आपका आर्थिक संकट आज नहीं कुछ सालों से चल रहा है, तो ये आपको एक मौका मिल गया, आप लोगों को निकाल दीजिए। ये कुछ ये जी हाँ कुछ हद तक ये बात है, क्योंकि देखिए कंपनियां हैं, ये कोई धर्म कर्म के लिए तो नहीं चला रही है। अब कंपनी, कुछ कंपनी अपना प्रॉफिट देखती है, जैसे बेनेट कोलमैन है, उनको प्रॉफिट इतना चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि भाई मुझे घाटा ना हो, कहीं मेरा मेरी दुकान बंद ना हो जाए। जैसे हम एक्सप्रेस में थे, हमारा सबसे पहला ये था कि भाई हमें घाटा ना हो, क्योंकि हमने तो कभी प्रॉफिट देखा ही नहीं था, तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, प्रॉफिट हो जाए तो। लेकिन कुछ मैनेजमेंट्स ऐसे हैं, अभी भी आप देखिए हर मैनेजमेंट ने सैलरीज कम नहीं करी और हर मैनेजमेंट ने लेऑफ्स भी नहीं करे। तो मैं कहूंगा कि अगर कोविड की वजह से किए जा रहे हैं तो बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो एक महीना भी कोविड के चपटनी लगी है, तो इनमें से कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता नहीं है जो एक या दो या तीन महीने कोविड का डिक्लाइन को नहीं संभाल पाए। लेकिन जैसे बेनेट कोलमैन बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, मैं उसको जजमेंटल तरीके से नहीं कह रहा हूँ, वो फर्म है एंड दे वर्क लाइक ए फर्म। तो उनके यहाँ बाकी और कुछ काम नहीं करता है, वो देखते हैं मेरी कमाई इतनी है, प्रॉफिट उतना है, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं कहाँ काटूंगा। अब आप देखें कि जैसे आपने कैलकुलेट किया कि इतना खर्चा आपका सैलरी पे है, लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर की बात देखें तो उसका एक बड़ा खर्चा न्यूज़प्रिंट पर होता है, और न्यूज़प्रिंट बहुत महंगा है और डॉलर में आता है, अभी डॉलर भी महंगा हो गया है, रुपया वीक हो रहा है, तो उसके ऊपर सरकार ने ड्यूटी भी लगाई हुई है, तो न्यूज़प्रिंट महंगा है। एट द सेम टाइम आप बोलें कि जिस जो आप 40 पेज दे रहे थे उसी दाम में आज आप 16 पेज दे रहे हैं, तो आपको तो 24 पेज न्यूज़प्रिंट की बचत है। तो ये सारी चीजें आपस में बैलेंस होती है, लेकिन इसकी जड़ में एक बड़ी समस्या है भारत के मीडिया में, खास करके प्रिंट मीडिया में, जिसकी जिम्मेवारी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, और वो ऑर्गेनाइजेशन है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप या बेनेट कोलमैन ग्रुप। वो क्या है? वो ये है कि उन्होंने अखबारों को बहुत सस्ता बेचना शुरू किया, इतना सस्ता बेचा कि आप मान लीजिए कि रद्दी वैल्यू के थोड़ा सा ही ऊपर बेचते हैं। अब 4 या 5 रुपए का आपको 40 पेज का 48 पेज का अखबार मिल रहा है, रद्दी बेचे मेरे ख्याल 2,500 रुपए शायद वापस ही मिल जाए उसके ऊपर, जो भी है, तो ये उसकी रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है। अगर आप देखिए फाइनेंशियल टाइम्स, £1 का बिकता है, £1 का मतलब 100 रुपए हो, तो एक पेज का जो कॉस्ट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की है पेपर और प्रिंटिंग की, वही इकोनॉमिक टाइम्स की है, वही बिजनेस स्टैंडर्ड की। अब क्योंकि वो डोमिनेंट ब्रांड्स हैं, जब उन्होंने ये दाम शुरू किए सबको इसी तरह से दाम कम करने पड़े, तो अभी एक ही अखबार है मैं कहूंगा जिसने हिम्मत करके अपने दाम कम करने की बजाय बढ़ाए, और वो है हिंदू। और इस बात का हिंदू को श्रेय जाना चाहिए कि उनको अपनी ब्रांड में कॉन्फिडेंस है और उन्होंने ये दाम नहीं घटाए, और जैसे उन्होंने दाम बढ़ाए उनकी सर्कुलेशन एक्चुअली बढ़ गई है। अच्छा, शेखर, बाकी सब लोग जो इतने सस्ते में बेच रहे हैं, इनको चाहिए बहुत एडवर्टाइजिंग। पर सच्चाई ये है कि जब ये कोविड के बाद नई दुनिया आएगी तो एडवर्टाइजिंग के वो रेट्स नहीं आएंगे जिनकी आदत इन सारे अखबारों को पड़ गई है, तो प्रिंट को समस्या होने वाली है। अच्छा शेखर, अभी अभी आपने न्यूज प्रिंट की बात किया, तो मैं दोनों दो हिस्सा है वो सिक्का का, दोनों दोनों पहलू है, तो मैं दोनों साइड में आपको बताना चाहता हूँ और आपको राय में सोच रहा हूँ। एक है
इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, जो बड़े बड़े अखबार के मालिक का एक संस्था है INS, उन्होंने पहले कहा कि ये जो कस्टम्स ड्यूटी न्यूज प्रिंट के ऊपर जो सीमा शुल्क है ये हटा दीजिए। पहले 10% थे, अब वो कम कहे 5 हो गया, वो 5% से आप बोला 5% ये भी खत्म कर दीजिए। ये भी उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि 2 साल के लिए आप टैक्स का छूट दे दीजिए, टैक्स हॉलीडे दे दीजिए। साथ साथ ये कहा कि सरकारी जो विज्ञापन है DAVP डायरेक्टर ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, ये भी 50% 50% आप बढ़ा दीजिए। ये है INS, जो मीडिया जो अखबार कंपनियों का मालिक का जो भी कहना है। अब देखिए दूसरे साइड में, अब यूनियंस का देखिए, नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट DUJ, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि इट हैज बिकम एक्सक्यूज, ये कोविड एक एक्सक्यूज फॉर रिट्रेंचमेंट एंड आर्बिट्री पे कट्स हो गया, और बोल रहे कि ये एक विश्वव्यापी एक संकट है। और क्यों सबसे जो कमजोर है एम्प्लॉइज, व्हाई आर दे हैविंग टू बेयर द पे। और उन्होंने कहा एक तरह से डॉग ई डॉग कॉम्पिटिशन हो गया, छोटे छोटे जो मीडिया संस्था थे, छोटा अखबार थे, जो छोटा वेबसाइट है, आज वो एकदम खत्म हो गया। और जो मीडिया का जो विविधता था, डाइवर्सिटी, जो प्लूरलिज्म था, ये भी खत्म हो गया। तो आज हम देख रहे हैं कि और ये NAJ DUJ ये भी सोच रहे हैं कि शायद वो अदालत में भी जाएंगे। तो यू आर सीइंग टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, व्हाट आर योर व्यूज, आप क्या कहेंगे? सबसे पहला ये जरूरी है कि जो हमारे समाचार पत्र है, जो हमारे डेलीज है, वो अपने दाम बढ़ाए। ये 1 रुपया 2 रुपया इनविटेशन प्राइस, ये ऑब्सिनिटीज है, क्योंकि हमारे लोग, जो आदमी 2 रुपए में अखबार ले रहा है वो 5 में भी ले सकता है, और हो सकता है अगर 5 में भी लेगा तो 1 महीने में 150 रुपया में तो मल्टीप्लेक्स में 1 फिल्म का टिकट नहीं आता है, तो और उसमें रद्दी से भी ज्यादा पैसा वापस आ जाता है। तो ये अखबारों को सिर्फ सरकार के पास हाथ जोड़ के जाने की बजाय ये 5% ड्यूटी का के प्राइस वॉर खत्म करें। तो आप देखें जो बड़े ग्रुप हैं हमारे, टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्राइस वॉर में रहते हैं, खास करके दिल्ली और बंबई में। अगर ये दोनों आपस में राजी हो जाएं और 2-2 रुपया दाम बढ़ा दें, तो कंज्यूमर के ये एंटी कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर फिर हो सकता है कि इनमें से भी कई लोग जो रद्दी बिजनेस करते हैं कि छापा और रद्दी में बेच दिया है दिखाने के लिए कि हमारी सर्कुलेशन ज्यादा है, वो भी कम हो जाएगा। तो कोई चीज को अगर आप सब्सिडाइज करके बेचते हैं तो उसका खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता है। अभी तक वो एडवर्टाइजर भुगत रहे थे, अब आप उसकी टोपी अपने एम्प्लॉइज को भी पहना रहे हैं। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि जब ये नॉर्मल होगी सिचुएशन, तब एडवर्टाइजर्स उन रेट्स पर वापस नहीं आएंगे जो रेट्स पहले थे, क्योंकि उनको अब पता लग गया है कि ये रेट बहुत ज्यादा थे प्रिंट के लिए, और वो सिर्फ इसलिए ज्यादा थे क्योंकि उनको आप कह रहे थे सब्सिडाइज करने के लिए आपके कंज्यूमर के लिए। तो ये आपको बांटना पड़ेगा, और हो सकता है सर्कुलेशन से आप इतनी बड़ी अफोर्ड ना कर पाए। शेखर, कुछ दिन पहले 7 अप्रैल सोनिया गांधी ने एक स्टेटमेंट इशू किया था, वो बहुत कुछ कहा, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट है। एक था कि वो सेंट्रल विस्टा का, वो जो 20,000 करोड़ खर्चा कर रहे सेंट्रल विस्टा का जो रिनोवेशन में, वो बंद कर दीजिए। मगर एक उन्होंने सलाह दिया सरकार को, और हमारे मीडिया वालों बहुत नाराज हो गए, और INS IBF इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन बहुत नाराज, क्योंकि उन्होंने कहा सरकार, भारत सरकार को कहा कि आप विज्ञापन देना बंद कर दीजिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बोलिए विज्ञापन मत देने के लिए, सिर्फ आपका जो स्वास्थ्य के ऊपर, जो जो जन स्वास्थ्य के ऊपर, पब्लिक हेल्थ, कोरोना, इसके ऊपर आप विज्ञापन दे सकते हैं। तो ये सुन के, और सोनिया जी ने कहा कि आपको 1250 करोड़ या 1300 करोड़ आपको बचत हो जाएगा, तो ये तो बहुत इन लोग नाराज हो गए थे। यही INS जो आज कह रहे हैं कि आने वाले 6-7 महीना में हम 15,000 करोड़ का विज्ञापन हमारा निकल गया है, वापस नहीं। तो आप क्या कहते हैं, why did the INS IBF सिर्फ अपने अपने हित के लिए ये ऐसे बात कर रहे हैं, या और कुछ है ये कहानी? देखिए पहली बात ये है कि सोनिया गांधी का ये कहना एक पॉलिटिकली एक कोई मैं कहूंगा अकलमंदी की बात नहीं, क्योंकि जो उनकी अपनी सरकारें भी हैं राज्यों में, वो भी बहुत पैसा विज्ञापन में खर्च करती है, और उनको ये पता लगेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल से आप सीखिए कि इस समय जब केंद्र सरकार इतना पैसा खर्च करती है अपने विज्ञापन पर, और मोदी जी की इतनी बड़ी इमेज है, कुछ भी बोले सब जगह वो एकदम फ्रंट पेज होता है और सब प्राइम टाइम होता है,
तो ऐसे में जो बाकी पार्टियां हैं बहुत राज्यों में और सरकारें हैं, उनको भी विज्ञापनों की जरूरत है। तो आप विज्ञापन सिर्फ इसलिए नहीं देते कि आप मीडिया की मदद कर रहे हैं, आप विज्ञापन इसलिए भी देते हैं कि वो आपके लिए जरूरी है। तो अगर वो कहेंगे कि आप केंद्र सरकार ना दे विज्ञापन, इसका मतलब क्या आपने वो राज्य सरकारों को भी कहेंगे, वो बेचारे घबरा जाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार को तो मोदी जी को तो पब्लिसिटी मिलती जाएगी। तो वो मैं कहूंगा एक वो जल्दबाजी में किसी ने, ऐसे इंसान ने उनके वो स्पीच में उनके लेटर में लिख दिया था जिसको या तो कोई मार्केट का पता नहीं है और या वो मीडिया को ट्रोल कर रहा था और या उसने मजे लेने के लिए कि इसके बाद सोनिया गांधी को गाली पड़ेगी मीडिया वालों से। सरासर राइट कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग भी बहुत हैं, तो वो तो कुछ इंटरनल सैबोटाज लगती है। दूसरी बात ये कि INS जो है, अच्छा INS हो या कोई भी मीडिया बॉडी हो, उसके लिए सरकार के पास एडवर्टाइजमेंट मांगना, मैं कहूंगा मेरे लिए ठीक बात नहीं है। अब ठीक है, जो INS है वो न्यूज़पेपर बिजनेस की बॉडी है, वो एडिटर्स गिल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी सबके लिए मीडिया फ्रीडम और सबके लिए क्विड प्रो को ना होना जरूरी है। तो आप ड्यूटी के लिए बात करें वो फिर भी एक बात है, लेकिन आप ये कहें कि हमें और ज्यादा इश्तिहार दें, वो बात ठीक नहीं है। एक बात में का औचित्य थोड़ा सा है कि जो सरकार एड्स देती है उसके रेट थोड़े बेहतर किए जाए, लेकिन उसमें सरकार का ये कहना है कि अगर हमारे रेट इतने लो हैं तो आप उनको छापते क्यों हैं? तो फिर ये मार्केट प्रिंसिपल्स हैं, अगर उस रेट पे आप सरकार का छापने को तैयार हैं तो सरकार रेट को क्यों बढ़ाए? या तो आप बोल दीजिए ये रेट हमें सूट नहीं करता, हम इस पर नहीं छापेंगे। और वो पहल भी जो है सबसे बड़े अखबारों को पहले लेनी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को लेनी है, अगर वो तैयार नहीं है तो फिर कोई और उसमें क्यों लेगा? तो ये बड़ी पेचीदा बातें हैं। और ये लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि अभी जो कुछ किया जा रहा है ये बहुत पैनिक में और बहुत जल्दी किया जा रहा है। और ये और बताऊंगा कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो भी जाएगी तो जरूरी नहीं है कि ये सब सैलरीज वगैरह वहीं रिस्टोर हो जाएंगी जहां पर थी। अच्छा, तो शिखर देखिए, ये जो मीडिया का और सिर्फ अखबार नहीं, ये टेलीविजन कहिए और ये वेबसाइट्स कहिए, जो डिजिटल मीडिया कहिए, इसका पूरा जो विश्व में जो रेवेन्यू मॉडल है ये उल्टा पुल्टा हो गया है। आप देखिए हमारे देश में जो भी सबसे अमीर व्यक्ति है, जो भी वो मीडिया संस्था को मदद कर रहे हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि लोगों को हटा लीजिए। जैसे एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ, मुकेश अंबानी जी और उनके सारे जो कंपनी वो नियंत्रण करते हैं, उनके जो एसोसिएट्स है, न्यूज 18 को उन्होंने मदद किया, मगर उसका 16 एम्प्लॉई जो है इंग्लिश डिजिटल एडिशन वहां से निकाल दिया, दे हैव बीन सैक्ड। और देखिए आपका NDTV वहां पे भी पिछले 12 साल में प्रणव रॉय हेड्स दिस कंपनी, प्रणव रॉय, राधिका राय, यू नो देम वेरी वेल, मैं यू सच, इनसे दुगना इनका कर्मचारी थे, दे हैड ट्वाइस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 12 इयर्स अगो एज दे हैड टुडे। और आप देखिए दैनिक भास्कर, 1000 एम्प्लॉयज को उन्होंने कहा अबाउट रफली 12% ऑफ द वर्क, उसका जो टोटल वर्क फोर्स, बोला कि आप इसमें पे कट कर दीजिए। और भी देखिए 18 नेटवर्क 18 को, ये भी दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय द अंबानी, दे आर ऑल्सो, सो इवन दीज बिग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, डू दे रियलाइज, उनका क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा जो पुराने जो बिजनेस मॉडल है जो विज्ञापन दाता के ऊपर निर्भर कर, ये एकदम खत्म हो गया और पूरा विश्व में खत्म हो गया। आप न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कीजिए, आप वॉशिंगटन पोस्ट की बात कीजिए, आप इकोनॉमिस्ट भी कीजिए, किसी ने सब्सक्राइबर मॉडल, पे वॉल मॉडल कर रहे हैं, किसी ने बोल रहे हैं गार्डियन जैसे या क्विंट ये जैसे वायर जैसे कि आप हमें दान कीजिए, क्राउड फंड कीजिए डिपेंडिंग ऑन फिलेंथ्रोपी, और ये दो मॉडल आ रहे थे, बट नोबडी रियली नोज कि जो आप आज जो भी आप कंटेंट आप इंटरनेट के ऊपर दे रहे हैं आपका पैसा कहां से आएगा, जो आपका देखिए आप कैसे जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अच्छा कॉन्टेंट है, उन्होंने सब्सक्रिप्शन शुरू किया ऑनलाइन, उनको बहुत आना शुरू हो गया है, तो जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, ये अब सब सक्सेस स्टोरीज है क्योंकि उनको अपने कंटेंट के ऊपर इतना भरोसा है कि उन्होंने लोगों से कहा कि भाई आपने पढ़ना है तो पैसा दो, और लोग पैसा दे रहे हैं और बहुत बढ़ रहा है उनका। भारत में क्यों नहीं हो रहा है ये? भारत में तब तक नहीं होगा, शुरू कर दिया आजकल, बिजनेस स्टैंडर्ड शुरू किया, लोग शुरू किया,
और ये भी बहुत शुरू करके बहुत चलता नहीं है। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि जब तक आपके डोमिनेंट अखबार जो है, जैसे बेनेट कोलमैन ग्रुप के हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के हैं, जागरण है, भास्कर है, और ऐसे लैंग्वेजेस में भी है, जब तक आपके डोमिनेंट अखबार आपको लगभग मुफ्त के दाम में मिल रहे हैं, तब तक आप कंज्यूमर को बिगाड़ रहे हैं। उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि न्यूज के लिए कुछ मुझे पैसा देना चाहिए। अब टीवी देखिए, डायरेक्ट टू होम है या आपका केबल है, अब बहुत थोड़ा सा पैसा देते हैं और आपको इतनी चैनल मिल जाती है, और वहां भी जो पैसा एसेंशियली आप देते हैं वो एंटरटेनमेंट और क्रिकेट चैनल्स के लिए दे रहे हैं। तो ये एक, जब तक यूजर पे के ऊपर एग्रीमेंट नहीं होगा। फिलैंथ्रोपी कुछ लोगों का मॉडल है, लेकिन फिलैंथ्रोपी में एक इशू है। फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशन आपको तभी आती है जब आपका जो एडिटोरियल है वो आपके फिलैंथ्रोपिस्ट को सूट करता है। तो जैसे गार्डियन है, आपको पता है गार्डियन आइडियोलॉजिकली इस पोजीशन एक तरफ, तो उनके लिए वहां से कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगी और कहीं से नहीं आएंगी, लेकिन वो फिर आपकी एडिटोरियल को भी कंस्ट्रेन करता है, क्योंकि आपको उसी स्ट्रेट जैकेट में रहना पड़ता है। तो जो मेन स्ट्रीम, जेन्युइन मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके लिए फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशन पे आगे सर्वाइव करना तो चले संभव है, लेकिन ग्रो करना संभव नहीं है। मीडिया को जाके फिर से मार्केट के साथ अपना जो एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो रीडर है या जो व्यूअर है उससे भी कुछ कॉस्ट लेनी पड़ेगी। अच्छा, मैं जैसे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यू आर द चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ ऑफ द प्रिंट, तो ये अभी अगस्त 2017 में आपने लॉन्च किया, और हमें जितना मालूम है सारे आपका जितने सारे कंटेंट है मुफ्त में आपका दर्शक को, आपको पाठक को मिल रहे हैं। मैंने देखा कि आपका संस्था को बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पूंजीपति, उद्योगपति ने आपको मदद किया। ये अलग अलग कंपनीज, ट्रस्ट, जैसे नारायण मूर्ति जी है, नंदन निलेखानी जी है, रतन टाटा, किरण मजूमदार शो, उदय कोटक, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम की राजीव मोदी, सस्किन टेक्नोलॉजीज, रवि थकरान, एल कैपिटल सिंगापुर, निर्मल जैन, आर वेंकटरामन, करण भागत, एटसेट्रा, यतीश शाह ऑफ IIFL ग्रुप, वेंचर कैपिटलिस्ट, एटसेट्रा। तो इन लोग, आप भावेश अग्रवाल भी है ओला से, हाँ जी, एक दो नाम भूल गया, भावेश अग्रवाल भी है ओला से, अच्छा अच्छा, तो मैं दो चार नाम भूल गया शायद, मगर इन लोग जो आपका जैसे संस्था को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, या क्या चाह रहे आप, डू दे वांट अ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, और आर दे फिलैंथ्रोपिस्ट, क्योंकि आप जैसे प्रिंट, आपके सारे जो लेख है, आपके सारे जो वीडियोस है, ये तो आप मुफ्त में दे रहे हैं, तो आई वांट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने अभी अभी हम लोग चर्चा किया कि ये आपका ये रेवेन्यू मॉडल कब तक जारी रहेगा, आपका एम्प्लॉइज है, देखिए I'm sure you don't want anybody to accept to they get a pay cut. Yeah, जी, बताइए। हम for profit organization है। हमारी अभी आजकल profit नहीं है, नुकसान है, लेकिन हमारा pretension is to make profits. We are a for profit organization. We are not a charity. We don't seek contributions. तो जिसने हमें पैसा दिया है, वो donation नहीं दिया है, वो हमारे shares खरीदे, वो हमारे participants हैं, investors हैं, और हमारी जो उनको प्रपोजिशन है वो यही है कि कोई अच्छे जर्नलिज्म में और मार्केट्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये पेशेंट कैपिटल है, आप पेशेंस के साथ रहिए और अल्टीमेटली आपको इसका रिटर्न मिलेगा, डबल मिलेगा, डबल इस तरीके से कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक नया अच्छा इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट हो जाएगा। और हमारे जो मॉडल है, अभी कोई परफेक्ट मॉडल नहीं होता, और क्या परफेक्ट था और कितना इम्परफेक्ट था ये बाद में पता लगता है, लेकिन अभी तक जो हम कह रहे कैपिटल बर्न है, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल हम बर्न कर रहे हैं, वो बजटेड लेवल पे है, क्योंकि ये इस समय जो नया ऑर्गेनाइजेशन है ये मार्केट एक्विजिशन की पोजिशन में है, और मार्केट एक्विजिशन में अगर आप देखिए तो जितने भी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं उन सबसे आगे इस समय हम हैं, और अभी तो हमें 3 साल भी नहीं हुए। बहुत लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से हम एक तरह से नया तरीका के आपातकालीन, न्यू काइंड ऑफ इमरजेंसी में हम जी रहे हैं। आपको याद है इमरजेंसी के समय बहुत सारे पत्रकार को इंदिरा गांधी जेल के अंदर डाल दिया था। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का जब सवाल उठाया था कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट मिस्टेक, उन्होंने कहा प्रेस सेंसरशिप।
आपको ये भी याद होगा कि मोरारजी देसाई का सरकार में लाल कृष्ण अडवाणी जी से जब सवाल उठा क्या इतने सारे संपादक वाई विद इज सो सबसर्वियन, उन्होंने एक मजेदार सवाल कहा, व्हेन दे वर आस्क्ड टू बेंड दे क्रॉल्ड, उसको सिर झुकाने के लिए कहा मगर वो जमीन में लेट गया। तो आप क्या समझते हैं हम लोग आज एक नया तरीका का, ये न्यू काइंड ऑफ अनरिटन अनस्पोकन इमरजेंसी का समय से जी रहे हैं इस वक्त? देखिए प्रेशर है इसमें कोई डाउट नहीं है, अब ये कहना भी ठीक नहीं है कि प्रेशर हमेशा होता है, प्रेशर हमेशा होता है लेकिन अब जो प्रेशर है वो विविध तरह का है और बहुत इंटेंस है, और क्योंकि मिसयूज ऑफ एजेंसीज अब बहुत ज्यादा है पहले से। दूसरी बात ये कि अब दुनिया भर में अल्फा मेल्स का राज है, तो इन सब ने एक तरीका ढूंढ लिया है, इनका सबको ये पता है। एक तो बात ये कि सिर्फ अपनी बेस से बात करना चाहते हैं और किसी से बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात ये अपने बेस से ये सोशल मीडिया या अपना जो भी कैप्टिव मीडिया है उसके थ्रू बात कर सकते हैं। तीसरा ये इतने पॉपुलर हैं अपनी बेस में कि इनको पता है कि मीडिया खास करके टीवी उनको हमारे को कवर करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको रेटिंग्स मिलती है। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप रोज 1.5-2 घंटा कोरोना के नाम से बोलते हैं, जो मर्जी बोलते हैं लेकिन गाली भी देते हैं। हाँ, जिस मीडिया को गाली निकालते हैं CNN वगैरह को, वो भी लाइव दिखाते हैं और वो रोज अपने यहाँ रेटिंग्स करके, अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि देखो मुझे गाली निकालते हैं फिर भी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे हाई रेटिंग्स होती है। तो ये एक कोड क्रैक कर लिया है और इसमें टीवी की बहुत कमजोरी है जिसको की एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अभी ये अल्फा मेल पॉलिटिशियंस। तो ये एक और बात, पहली बात तो मैंने कही कि एजेंसी इसका मिसयूज है, बदनामी है, मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया है, और जिसको मैंने एक बार आर्टिकल में लिखा था एक ट्रिपल वेपनाइजेशन। ट्रिपल वेपनाइजेशन क्या है, एक तो एजेंसीज, दूसरा आपके 5-6 फ्रेंडली टीवी चैनल्स जो मर्जी छाप दिखाती है, और एक सोशल मीडिया। तो इन तीनों को मिला के आप हर किसी को इस त्रिशूल से मारते हैं तो फिर ये बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर किसी जर्नलिस्ट के पास कोई बहुत अच्छी स्टोरी है आज अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई बहुत अच्छी स्टोरी है और वो ये कहे कि भाई स्टोरी तो मेरे पास बहुत अच्छी है लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखा सकता या छाप सकता क्योंकि प्रेशर बहुत है, मुझे डर लगता है, तो मैं कहूंगा कि या आप डरपोक हैं और या फिर आप ईमानदार हैं। क्योंकि देखिए अब ब्राजील में इतनी डिक्टेटरशिप बोल्सोनारो ने कर ली है, फिर भी वहां पे जब वो हॉस्पिटल से बाहर आता है, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा जी आप किस लिए टेस्ट कराने गए थे हॉस्पिटल में, उसने कहा मैं आइसक्रीम खाने गया, उसने फिर इंसिस्ट किया, उसने कहा मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कराने गया, राइट, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ब्राजील की कांग्रेस ने ही ऑर्डर किया है कि उनको अपना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो जब डेमोक्रेसीज होती हैं तो उनमें प्रेशर होते हैं, उनमें डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज भी होती है, लेकिन आपको अकलमंदी का इस्तेमाल करके ना सिर्फ विक्टिम प्ले करके उसको उसमें नेविगेट करने का तरीका भी ढूंढना चाहिए, और वो जिम्मेवारी सीनियर लोगों की ज्यादा है और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की ज्यादा है। थैंक यू सो मच शेखर, धन्यवाद आपका कीमती समय हमने दिया, लंबा चौड़ा हमने बात किया, और जो न्यूज क्लिक का दर्शक है आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।